हेलो सभी को, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे विजम चैनल पर। आज मैं एक नया सेगमेंट शुरू करने जा रहा हूँ जिसका नाम होगा प्रिपरेशन। ठीक है, जिसमें मैं अपने आज तक के लाइफ से रिलेटेड एक्सपीरियंस और डेली रूटीन और स्टडी लाइफ में होने वाले जो जीवन की घटनाएं हैं उनको आपके साथ शेयर करता चलूँगा। ठीक है, तो आज मैं बात करता हूँ प्रिपरेशन से जुड़े हुए इम्पोर्टेंट बातों का। तो सबसे पहले प्रिपरेशन शुरू करने से पहले ये जरूर होना चाहिए कि आपका एक रूटीन हो जो कि लचीला हो और परफेक्ट हो, बिल्कुल आपके लाइफ के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट होगा जो कि इसको मैं पॉइंट वाइज समझाता जाऊंगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट होगा आपकी बॉडी बिल्कुल हेल्दी होनी चाहिए। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। डेली सुबह में जगना बिल्कुल अनिवार्य है, क्योंकि अगर सुबह में जगेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय मिलेगा और आप अपने लाइफ को अपने बॉडी के को अपने लाइफ के अनुकूल जैसा चाहेंगे वैसा ढाल पाएंगे। इसलिए हेल्दी बॉडी होना चाहिए। उसके बाद हेल्दी डाइट, इसको लिए एक खाना जरूरी है तला भुना खाना, इसको कम से कम करना चाहिए और ताकि गुड फैट आए, बैड फैट बॉडी में ना रहे और बॉडी लचीला रहे। ठीक है, इसके लिए एक्सरसाइज होना चाहिए। मेंटल हेल्थ के लिए, कॉन्सेंट्रेशन और फोकस को बढ़ाने के लिए आप मेडिटेशन और पूजा पाठ का सहारा ले सकते हैं। इससे बॉडी में पॉजिटिव एनर्जी क्या करती होती है, वाइब्रेट होती है और निगेटिविटी खत्म होती है। ठीक है, ऐसा मैंने अनुभव किया है। ठीक है, उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है वो आपको क्या होना चाहिए कि आपका डेली का प्लानर होना चाहिए। ठीक है, और क्योंकि जो कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या करे, अपना काम करे। डेली का डेली आपको प्लान बनाना पड़ेगा क्या सारे दिन में क्या करना है, और आप ये सुबह उठते ही कर सकते हैं आपको माइंड को कॉन्सेंट्रेट करने के बाद। ठीक है, इसके बाद एक और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको सोशल जो डॉग्स होते हैं, ठीक है, जो सामाजिक जो लोग होते हैं उससे आप बिल्कुल जितना हो सके उतना कम मिले जुले। ठीक है, क्योंकि ये लोगों के बातों से सुनने से क्या होगा कि आपका जो फोकस है और वो बिगड़ेगा, क्योंकि लोग राय देते रहते हैं, क्योंकि ज़्यादा ही जितना इसका निगेटिव प्रभाव पड़ता है, जैसा कि अब मेरे साथ होता है, सबके साथ होता है। ठीक है, आम लोगों का जीवन चलिए, क्योंकि ये इस लाइफ से सब कोई गुजरता रहता है। ठीक है, और फोकस डिस्टर्ब होता है इससे। ठीक है, जो अगला पॉइंट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे कम से कम अभी तक आप क्या करें कि ज़्यादा से ज़्यादा रिश्तेदारी और नातेदारी को कम से कम रखें, इस क्योंकि जब तक आप सक्सेसफुल ना हो जाएं तो आपको सब लोग बेकार ही समझेगा। ठीक है, और कमज़ोरों को हमको पता है कि प्रकृति और समाज कोई भी स्वीकार नहीं कर रहता है। अगर आप बेचारा नहीं बनना चाहते हैं तो आप कम से कम मिले जुलें लोगों से। अपने लोग अपने परिवार सही है, ठीक है, लेकिन रिश्तेदारी से जितना हो सके उतना दूरी बिल्कुल ज़रूरी है। उसके बाद ये है, आपको फोकस और कंसंट्रेशन के लिए प्रेयर का आप सहारा ले सकते हैं और मेडिटेशन सही रहता है और पॉजिटिविटी क्योंकि इससे आती है और पॉजिटिव वाइब्रेशन बॉडी में आता है। इसके बाद ये है कि आप हमेशा याद रखें कि आप कौन हैं, ऑलवेज रिमेंबर हु आर यू, आपका अभी का मुख्य कार्य क्या है, और दूसरे के फटे में टांग अड़ाने की कोशिश न करें, क्योंकि यह स्टूडेंट लाइफ है और बहुत इंपॉर्टेंट समय चल रहा है आपका। ठीक है, और बिना दायित्व जब तक आपका जरूरियात ना हो तब तक आप अपना और जो झूठ मूठ का अदा करने का और बेकार में राय देने के चक्कर में न रहें। अब तैयारी से जुड़े हुए बुक्स हैं, उनका डिटेलिंग थोड़ा समझ जाते हैं हम लोग। डेली करंट अफेयर्स के लिए आप पेपर का यूज कर सकते हैं, क्योंकि इससे रेलवे जो डेली का रीडिंग हैबिट है वो अच्छी बनी रहती है और साथ में स्पीड और दिमाग क्या होता है, फ्रेश आता है। इसके लिए आप PD और SPD का कोई भी मंथली मैगजीन प्रीफर कर सकते हैं, ताकि कुछ छूटे भी तो भी पूरा हो जाए। ठीक है, और या कोई यूट्यूबर का चैनल पसंदीदा है तो उस पर भी आप रेगुलर हो सकते हैं। इसके बाद ये है कि मैथ आता है, क्योंकि कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप RS अग्रवाल का किताब बहुत बेस्ट है। ठीक है, और साथ ही साथ आप SSC या रेलवे का प्रैक्टिस सेट लगाते रहें, जिससे क्या होता है SSC जो आपका स्पीड है वो और एक्यूरेसी अच्छा होता जाता है। ठीक है, आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। और जो तीसरा पॉइंट है रीजनिंग के लिए वो ये है कि आप अजय चौहान की बुक को प्रीफर कीजिए। ठीक है, बेस्ट बुक है, सारा टॉपिक दिया हुआ है, और प्रैक्टिस सेट SSC का या रेलवे का लगाते रहेंगे तो ही आपके लिए अच्छा होगा। और आप अगर बैंकिंग का तैयारी कर रहे हैं तो आपको किरण पब्लिकेशन के जो क्वेश्चन बैंक है वो आता है, उसको क्या कीजिए कि आप लगाते चलिए। GK GS के लिए सबसे पहले आप NCERT और BTC का कॉन्सेप्ट बिल्कुल 6 से लेकर 12 तक पूरा का पूरा पढ़ डालिए, पूरा क्लियर कर डालिए। ठीक है, मज़ा आएगा, धीरे धीरे पढ़ने की आदत तो बनाइए, क्योंकि सब पढ़ चुके हैं आप और आपका रिविजन भी हो जाएगा। उसके बाद लूसेंट का ऑब्जेक्टिव का एक सामान्य ज्ञान का बुक आता है, उसको पूरा का पूरा पढ़ जाइए, और फिर ऑब्जेक्टिव का एक 10,000 GK का जो पुराना वाला ऑब्जेक्टिव का लूसेंट का आता है, उससे पूरी तैयारी आपकी हो जाएगी, प्रैक्टिस लगाते रहिए। ठीक है, इसके बाद अगर आप जनरल साइंस का बात करें
तो वही जनरल साइंस का भी एक सामान्य विज्ञान का बुक कहता है इस, जो कि सामान्य विज्ञान के लिए बेस्ट बुक है अभी तक बाजार में, ठीक है। और इसका भी अलावा आप रेलवे और जो अभी एग्जाम आपका चल रहा है या अभी का जो पैटर्न चल रहा है उससे जुड़े हुए सवाल लगाते चलिए, जिससे क्या होगा कि आपको किसी भी वन डे एग्जाम को क्रैक करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, और आपका एक बार सिलेबस कंप्लीट हुआ तो बिल्कुल आसानी से आप कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। ये सबका दावा है, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो तो सारा का सारा यही सिद्धांत फॉलो करते हैं, मेरा भी यही सिद्धांत है, ठीक है। और चलिए आज की वीडियो में इतना ही, अगर आप वीडियो को पसंद करते हैं और इसी तरह का वीडियो आगे चाहते हैं, कोई कोई भी नया टॉपिक या कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप अगर वीडियो मेरे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। उसके बाद अगर नोटिफिकेशन चाहिए तो बेल वाला घंटा का ऑल वाला जो बटन है उस पर किसी भी हाल में क्लिक कीजिए, ठीक है। और वीडियो को लाइक कीजिए, अपने जो जो आपके हितैषी हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके फ्रेंड्स हैं और जो स्टडी में कंपटीशन की तैयारी में लगे हुए हैं वहाँ पर ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। टेक केयर, बाय बाय।